मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के आतंकवाद विरोधी दस्ते एटीएस ने पंजाब के गैंगस्टर सोनू खत्री गैंग के 3 सहयोगियों को ठाणे से गिरफ्तार किया है। शुभम सिंह गुरमुख, नरेश कुमार सिंह, अमनदीप कुमार, गुरमिल चंद उर्फ राचो, ये खत्री गैंग के 3 शूटर हैं। एक अधिकारी ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया है कि पंजाब पुलिस के गैंगस्टर निरोधी कार्यबल AGTF और ATS ने संयुक्त अभियान में ठाणे जिले के कल्याण में रविवार की शाम 3 को पकड़ लिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पंजाब में एक हत्या के मामले में फरार थे और 6 महीने से आंबेवली में छिपकर रह रहे थे। उन्होंने बताया कि 3 गैंगस्टर आतंकवादी हरविंदर सिंह और वृंदा के साथ कथित रूप से संपर्क में थे और पंजाब पुलिस को मिली सूचना के आधार पर ATS के अधिकारियों ने आंबेवली में जाल बिछाया। साथ ही अधिकारी ने यह भी बताया कि ATS की टीम में काला चौकी और विक्रोल दस्ता भी शामिल था। उन्होंने बताया कि टीम ने स्थानीय पुलिस और पंजाब पुलिस की मदद से आरोपियों को पकड़ लिया है। 3 की उम्र करीब 20 से 25 साल के करीब है और ये लोग हत्या का प्रयास, अवैध रूप से हथियार तथा विस्फोटक रखने आदि गंभीर मामलों में आरोपी हैं और अब पंजाब पुलिस उन्हें अदालत के समक्ष पेश करेगी। सर, पंजाब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बड़ी कामयाबी है, स्थानीय पुलिस की मदद से अपन ने 3 बड़े कुख्यात लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या प्रमाण मांग रहा है? हमारे पंजाब में एक सोनू खत्री गैंग है जो फॉरेन बेस है और दुआबे में वो एक्टिव है। हमने आज लोकल सेंट्रल एजेंसी IB, लोकल पुलिस, ATS, इंस्पेक्टर साहब की मदद से एक सफलतापूर्वक एक ऑपरेशन को किया है। इसके साथ हमने 3 लोगों को पकड़ा है जो हमारे 302 में वांटेड थे, शिवम, अमनदीप रेंचो और गुरमुख सिंह, जो हमारे और कस्टम में लीडिंग दे हैं। सर, ये कुख्यात हैं, बताए जा रहे हैं इन पे काफी, यस, इनके ऊपर काफी केसेस हैं और ये मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पंजाब में एक सोनू खत्री गैंग है जो फॉरेन बेस है, वो इनको चलाता है जो ड्रग में और जो गैंगस्टर गतिविधि में शामिल है। इनकी इनके पकड़ने से हमारा बहुत सारे केस सॉल्व होंगे।